हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंटरडे गाइड शिवांश भसीन पे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 2 जुलाई की तैयारी करने के लिए। गाइस, आप देख सकते हैं मेरे सामने 5 स्टॉक्स हैं, स्कॉट्स, HDFC, बर्जर पेंट्स, रिलायंस और SRF, और साथ में मैंने दे रखा है बैंक निफ्टी की ऑप्शन कॉल। यस गाइस, तो कल की सेशन के लिए हम लोग ये 5 स्टॉक्स और बैंक निफ्टी की एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं 1 जुलाई को क्या हुआ। 1 जुलाई को ही हमने देखा कि मार्केट की जो ओपनिंग हुई बहुत अच्छे से हुई और मार्केट ने बहुत अच्छी अपमूव दिखाई। गाइस, उसका रीज़न क्या था? गाइस, रीज़न ये था कि आप सबको पता होगा कि ट्रंप पहले ऐसे प्रेसिडेंट हैं US के जो इसने नॉर्थ कोरिया के अंदर एंटर किया और वहाँ पर गए हैं, और गाइस जो उनके बीच में बातचीत हुई है वो बातचीत अच्छी अच्छी खासी हुई है। तो हम कह सकते हैं कि वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल गई थी हमारी मार्केट पे। उनकी वजह से जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, उनकी वजह से हमने देखा कि स्टील सेक्टर के अंदर भी एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला। IT सेक्टर पे हमने दबाव देखा क्योंकि आप देख सकते थे किस तरीके से वो था। अब गाइस, किस तरीके से हमें काम करना है, आप देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल कितनी तेजी से फिर 2.5 या 3% बढ़ गया। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ओपेक की मीटिंग्स होने वाली है और मीटिंग में यही निकला कि जो सप्लाई कट है वो एक्सटेंड नहीं करेंगे, उसे उल्टा कट कर देंगे। गाइस, उसकी वजह से हमने देखा क्रूड ऑयल के प्राइसेस और तेजी से बढ़ने लगे, ब्रेंट ऑयल और ऊपर चला गया। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी मार्केट को बजट तक डिस्क्राइब करके रख सकती हैं या इस हफ्ते पूरे तरीके से डिस्क्राइब करके चलेंगे। गाइस, अब हमें किस तरीके से स्ट्रैटेजी लेकर चलना चाहिए, हम सबसे पहले बात करते हैं इन 5 स्टॉक्स से पहले भी जो मैंने आपको परफॉर्मेंस शीट के बारे में बताया। परफॉर्मेंस शीट, जैसा कि आपको पता है कि जो भी हम आपको पिछली कॉल्स देते हैं उसकी परफॉर्मेंस शीट आपके साथ शेयर करते हैं। तो हिंड पेट्रो की बात करते हैं, सबसे पहला स्टॉक जो हमारा था, बाय करने की सलाह दी थी 290 पे, 294 का टारगेट था, 286 का स्टॉप लॉस था। गाइस, टारगेट अचीव नहीं हुआ, स्टॉप लॉस हिट हो गया, इसमें हमारा लॉस बुक करवाया होगा। गाइस, इसका रीज़न ये था टारगेट अचीव नहीं होने का, क्योंकि हम देख रहे थे कि चार्ट पैटर्न में तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी बाय करने के लिए, पर जिस तरीके से हमने देखा था कि उन लोगों ने सप्लाई कट भी कम कर दी, उसके बाद सप्लाई कम कट कर दी थी ओपेक कंट्रीज ने, तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस, ब्रेंट ऑयल बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गया, बहुत तेज़ी से बढ़ा। उसकी वजह से इस कम OMC सेक्टर्स को नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। गाइस, तो उसकी वजह से हमने देखा कि यहाँ पर एक शॉर्ट बनते हुए देखने को मिला। वोल्टास, वोल्टास पे कोई न्यूज़ नहीं थी, जैसा टेक्निकल काउंटर मैंने आपको सजेस्ट करा था उस तरीके से बिल्कुल ये शॉर्ट पे गया। मेरे जो लेवल्स थे 638.7, 638 तक इसने लो मारा, उसके बाद जाके इसने एक अपमूव दी। अपमूव मैंने आपको कल अपनी वीडियो में ये भी बताया था, 655 का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। अगर बाय चांस कल मार्केट खुलते हुए वोल्टास इसके ऊपर निकल जाता है तो हमें इसमें बाय पोजीशन ले लेनी है और शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट कर जाना है। तो गाइज, हुआ वही, हमने देखा कि हमारा सबसे पहले तो टारगेट अचीव हुआ। टारगेट अचीव होने के बाद जब आप लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया इंट्राडे पे, तो उसके बाद जाके हमारा स्टॉप लॉस के ऊपर जाके वो ट्रेड करना शुरू कर गया। तो हमने देखा कितनी अच्छी अब मूव आई है और मुझे लगता है अभी इसमें एक बाय पोजीशन बना सकते हैं अगर ये 655 के ऊपर जाने में क्लोजिंग दे देता है। शायद नहीं क्लोजिंग दिया, उसके नीचे दिया। कल इंट्राडे में और अप मूव आती है वोल्टास के अंदर 655 के ऊपर, तो हम इसमें इंट्राडे बाय पोजीशन भी बना सकते हैं। टाटा स्टील सेल करने की आपको सलाह दी थी, इसमें भी हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ, पर हमारा स्टॉप लॉस भी अचीव हिट नहीं हुआ। इसकी जो क्लोजिंग हमें देखने को मिली है अराउंड 506 या 507 पे देखने को मिली है। सो अगर किसी ने अभी भी होल्ड करके रखा हुआ है गाइस, या उसका अपने आप एग्जिट हो गया होगा पोजीशन इंट्राडे पे, तो उसे 1 रुपये या 1.5 रुपये का ही लॉस हुआ होगा टाटा स्टील के अंदर, वरना हमारा स्टॉप लॉस तो हिट हुआ नहीं है। हमारा स्टॉप लॉस था 515, जो कि इसका हाई था 514.8। तो स्टॉप लॉस जो मैंने आपको परफेक्ट दिया था, जो मैंने आपको बताया था अपनी खुद वीडियो में उसी में कि 515 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन सकता है, इसके लिए वहाँ तक जाना इसके लिए मुमकिन नहीं है। गेल की बात करें तो गेल में आपको बाय की सलाह दी थी, गेल में भी हमारा ना स्टॉप लॉस हिट हुआ ना टारगेट हिट हुआ। गेल पे एक नेगेटिव न्यूज़ आई थी मार्केट ओपन होते हुए, तो उसकी वजह से ना उसमें ज़्यादा गिरावट आई, क्योंकि टेक्निकल इंडिकेटर सजेस्ट करते थे ज़्यादा गिरावट नहीं आ सकती क्योंकि वो एक रेंज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, और वो रेंज शायद वो कल भी तोड़ दे। मुझे लगता है अगर वो कल भी रेंज तोड़ देता है 1300 314 के ऊपर, अगर वो इंट्राडे पे निकलता है गाइस, तो आप इस पे एक बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं इंट्राडे बेसिस पे। सीमेंट्स बाय करने की सलाह दी थी 1311 पे आपको बाय की सलाह दी थी, 1322 से 1335 तक के टारगेट्स थे, 1333 तक ही गया हाई मारा, उसके बाद वो थोड़ा बहुत नीचे आ गया। पर गाइस, तब भी हमारे टारगेट्स अचीव हो गए थे इसके अंदर, तो हमारे
पांच में से दो के टारगेट अचीव हुए, एक के नहीं हुए और दो के तो टारगेट है स्टॉप लॉस कुछ भी अचीव नहीं हुए। गेल की अगर हम बात करें तो गेल उल्टा हमें अभी क्लोजिंग बेसिस में प्रॉफिट ही देकर जा रहा है क्योंकि वो 312 के ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो गाइज अब हम बात करते हैं कल के स्टॉक्स की। जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, एस्कॉर्ट्स, HDFC, बर्जो पेंट्स, रिलायंस और SRF। सबसे पहले बात करते हैं एस्कॉर्ट्स की। अब गाइज मैं आपको जो स्टॉक्स बता रहा हूँ उन स्टॉक्स में ब्रेकआउट देखने को मिला आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर, और बहुत बढ़िया ब्रेकआउट है। एक कंसोलिडेशन से इसने ब्रेकआउट दिया है और जब कंसोलिडेशन को इसने तोड़ा, तोड़ने के बाद जब उसने अप मूव दिया, अप मूव पे जो इसका प्रीवियस स्विंग हाई होता है, गाइज अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक कहीं से ब्रेकआउट देता है तो ब्रेकआउट देखने के बाद वो कितनी ऊपर जाता है और कहाँ से वो नीचे आ सकता है, फॉल्स ब्रेकआउट तो नहीं है, वो पता लगाने के लिए हम देखते हैं कि उसका प्रीवियस स्विंग हाई क्या है। अगर वो उसके ऊपर भी जाके ट्रेड करता है तो वो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है बाय करने के लिए, एक या दो दिन के या 3 दिन के पर्पज से, और वो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे जाती है। वही हमने एस्कॉर्ट्स में देखने को मिला है। एस्कॉर्ट्स में हमने एक चैनल का ब्रेकआउट देखने को मिला, ब्रेकआउट देखने के बाद जो उसका प्रीवियस स्विंग हाई था उसके ऊपर भी जाके ये ट्रेड करने लग गया गाइस, और उसके ऊपर आसपास जाके तो उसने क्लोजिंग दे दी है। तो गाइस 570 का लेवल है, 567 पे आपको बाय करने की सलाह दी जाएगी क्योंकि 560 पे उसने ब्रेकआउट दिया है। मुझे लगता है थोड़ा बहुत अगर आपको कल नीचे मिलता है 567, 565 के आसपास, आप इस पे अपनी इंट्राडे पोजीशन या एक दो दिन की पोजीशन बना सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 577, 584। जैसा कि आपको बता रखा है इंट्राडे की आपको पहली टारगेट दिया जाएगा, जो दूसरा टारगेट आपको दिया जा रहा है वो एक या दो दिन के पर्पज से आपको दिया जा रहा है। HDFC बैंक सेम जो मैंने आपको एस्कॉर्ट्स में बताया वो सेम टू सेम HDFC बैंक पे हुआ है। अपने चैनल को ब्रेकआउट करने के बाद अपने प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर जाके आज इसने ट्रेड करा है और उसके ऊपर ही इसने क्लोजिंग दिया गाइस। सो करंट मान लेवल जो हम आप देख रहे हैं वो है 2245, 2240 के आसपास। अगर आप इसे बाय कर सकते हैं तो आप अच्छे से बाय कर लीजिएगा, अगर उसके थोड़ा और नीचे भी मिल जाता है तो भी बाय करके चलिएगा क्योंकि उसका जो ब्रेकआउट लेवल है वो है 2230। क्योंकि आपको स्टॉप लॉस इस पांच स्टॉक्स के अंदर थोड़े बहुत डीप देखने को मिल जाएंगे क्योंकि ब्रेकआउट से बहुत ऊपर चला गया है वो थोड़ा बहुत। सो हम आपको यही सजेस्ट कर रहे हैं थोड़ा डिप में मिलेगा कल, अगर आपको खुलते हुए डिप में मिलता है तो तुरंत इसे एक्यूमुलेट करिएगा और आप अच्छे खासे रिटर्न दे के एंड में अगले दिन तक आप देख सकते हैं HDFC के अंदर। फर्स्ट टारगेट जो है 2256 है, 2270 तक के भी टारगेट हमें स्विंग में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बर्जो पेंट्स पे आज हमने देखा था कि 222 यानी कि 212.7 का एक लेवल था, उसके ऊपर अगर वो आज बंद हो जाता है यानी कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो मैंने आपको दे रखा है अगर बाय चांस वो उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे देता, उसके ऊपर ट्रेड करने की उसने कोशिश करी थी बर्जो पेंट्स, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग देता था तो उसका कल के सेशन में जो गाइस टारगेट होता वो होता 330 यानी कि 8 रुपये की बर्जो पेंट्स अपमूव कल के कल ही दे देता अगर ये 322 के ऊपर क्लोजिंग दे देता आज। पर गाइस हुआ ये कि उसके ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करी, 15 मिनट करा, 20 मिनट करा, फिर नीचे आ गया और उसने 319.5 या 320 के आसपास जाके क्लोजिंग दे दी। मुझे अभी भी लगता है इसका जो ये काउंटर है बर्जो पेंट्स अभी भी स्ट्रांग है, अप मूव दे सकता है। तो मैं आपको पहला टारगेट इंट्राडे बेसिस में ये रखूंगा कि ये 322 तक दोबारा जा सकता है। अगर ये बाई चांस 322 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाता है या 322 के ऊपर घंटा दो घंटा ट्रेड कर लेता है या सस्टेन कर लेता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 327 से 332 तक के भी टारगेट्स बर्जो पेंट्स में हमें देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि हम बात कर रहे हैं 313 से लेके 322, ये जो 10 रुपये का रेंज है इस 10 रुपये के रेंज में ही बर्जो पेंट्स ट्रेड कर रहा है कुछ टाइम से, और वहाँ पर वो अपनी एक कंसोलिडेशन रेंज बना रहा है। अगर उसके ऊपर निकल जाता है गाइस तो सीधा 10 पॉइंट की मूव हमें इंट्राडे के अंदर देखने को ही मिल जाएगी। रिलायंस मैंने काउंटर चुना है क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो बजट की रैली है, जो मुझे लगता है एक बजट में रैली आ सकती है, निफ्टी बैंक निफ्टी और अप मूव दिखा सकते हैं जिस तरीके से उनके चार्ट पैटर्न सजेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत सजेस्ट कर रहे हैं कि अब वो अप मूव दिखा सकते हैं बजट से पहले पहले, तो उसमें एक सबसे बड़ा हाथ मुझे लगता है कि रिलायंस का हो सकता है। और अगर जैसा कि हम देख रहे हैं कि रिलायंस 1250 के आसपास जैसे ही पहुंचता है 1250 1240 वहीं से उसमें एक अप मूव आ जाती है। मैं 1250 एग्जैक्ट स्पॉट प्राइस नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ कि एक रेंज है 1240 से 1250, वहाँ पर रिलायंस हमेशा उछाल दे देता है और वहाँ से वो 1325 या 1320 तक चले जाता है। ज़्यादातर रिलायंस में अगर आप चार्ट पैटर्न को सजेस्ट करेंगे तो यही देखेंगे, और मैंने रिलायंस के प्रीवियस चार्ट्स को भी स्टडी करा तो मुझे ये पता चला कि बजट से कुछ टाइम पहले रिलायंस में गिरावट आती है और उसके बाद बजट से एक हफ्ता पहले रिलायंस में बहुत तेजी की अपमूव आ जाती है।
तो गाइज मुझे लगता है एक रिलायंस बेस्ट काउंटर है ट्रेड करने के लिए, आप इसको ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी लेकर चल सकते हैं। 12969 का इसका करंट मार्केट प्राइस है, 1250 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। डिप में मिलता है तभी आपको सलाह दी जा रही है, इन पर्टिकुलर 5 काउंटर को डिप में ही बाय करके चलेगा, क्योंकि वरना आपके लिए स्टॉप लॉस जो है वो बहुत डीप हो जाएंगे। टारगेट जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1284 फर्स्ट, 1299 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेकेंड टारगेट रिलायंस के अंदर। SRF शॉर्ट करने की सलाह दी जाएगी, ये भी एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, जिस रेंज से हमने देखा था इसने आज जो अपना हाई मारा था, जो इसका हाई था SRF का, वो इस उस पर्टिकुलर रेंज का हाई था, वहाँ से ये शॉर्ट आई। गाइस अभी मुझे लगता है वो रेंज के बॉटम तक जा सकता है, जो कि इसका बॉटम 3000 के लेवल के आसपास, या कि हम देख सकते हैं 2997 तक के आसपास है इसका नेक्स्ट बॉटम। तो मुझे लगता है कि रेंज का बॉटम वहाँ तक जा सकता है, सो सेल करने की सलाह दी जाएगी। 30-32 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, 30-11-30-03 तक के भी टारगेट्स हम SRF के अंदर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। गाइस इन सब के चार्ट्स में आपको दिखाना चाह रहा था, पर वो वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, पर इस पर्टिकुलर काउंटर 5 स्टॉक्स में से मैं आपको 2 स्टॉक्स तो ज़रूर दिखाऊंगा, जिसमें से एस्कॉर्ट्स और HDFC बैंक है, और हो सके तो मैं बजर पेंट्स भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि गाइस उसके पैटर्न्स अगर हम आप समझ जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा किस तरीके से ट्रेड करना है। गाइस अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन स्ट्रैटेजी की। तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन स्ट्रैटेजी है कि आपको 31,500 का कॉल 4 जुलाई की एक्सपायरी का बाय करके चलना है, जो कि 140 के आसपास अगर आप बाय करके चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। टारगेट 100-210 तक के भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आपको 90 का मेंटेन करना पड़ेगा। गाइस अभी जो इसने क्लोजिंग दिया है वो दिया है 31,370 के आसपास, अगर ये 31,470 या 31,450 के ऊपर निकल जाता है, मैक्स टू मैक्स मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर ये 31,500 के ऊपर निकल जाता है और आधा घंटा या एक घंटा सस्टेन कर लेता है, तो इसका इमीडिएट लेवल जो टारगेट होगा वो 31,800 होगा। तो मेरे हिसाब से अगर मैं आपको सलाह दूँ, तो अगर आपको बैंक निफ्टी का फ्यूचर बाय करना है या बैंक निफ्टी की ऑप्शन स्ट्रैटेजी बाय करनी है, अगर आप थोड़ा रिस्क नहीं ले सकते, अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, तो आपको सलाह ये दूंगा 31,500 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है, 31,800 की इमीडिएट कॉल ऑप्शन बाय करके चलिएगा, या फिर फ्यूचर को बाय करके चल सकते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क उठा सकते हैं तो ये ऑप्शन स्ट्रैटेजी आपके लिए बेस्ट है, 31,500 की कॉल को बाय करके चलिएगा, 200 के आसपास के टारगेट्स हम अचीव करते हुए देख सकते हैं। कई सबसे पहली बात मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये बताना चाहूँगा, जो भी आपको टारगेट्स दिए जाते हैं गाइज, वो टारगेट्स आप पूरा एक्सपेक्ट मत करिएगा कि आपको एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट वही टारगेट अचीव होगा। गाइज हो सकता है कि वहाँ से थोड़ा बहुत नीचे आ जाए, या कुछ पैसा, या 10-20 पैसा, या 1 रुपया भी नीचे अगर आपको मिलता है तो आप एग्जिट कर लीजिएगा अपनी पोजीशन। गाइज मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, जो आपको टारगेट्स दिए जाते हैं वो एक रेजिस्टेंस तक के दिए जाते हैं, वहाँ पर हमें लगता है कि वहाँ एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है इंट्राडे पे। सो गाइज वो हो सकता है कि उसके आसपास जाते जाते वो नीचे गिर जाए, या उसके आसपास जाते, तो आप पूरे टारगेट के लिए वेट कभी मत करा करिए मेरी, जो भी आपको मैं स्ट्रैटेजीज दिया करूँ। अगर आपको मैंने 300 रुपये का स्टॉक बोला है, 310 का टारगेट है, तो आप 302-9 पे अपने आप निकल जाइएगा, ये मत सोचिएगा मैं 1 रुपये के लिए और वेट करूँ। हो सकता है ऐसा ना हो कि वो 309 से 309-20 पैसा गया और वहाँ से तुरंत अपने स्टॉप लॉस को हिट कर गया, तो गाइस आप अच्छा खासा लॉस भी झेल पाएंगे। तो आपको यही सलाह दी जाएगी। बजट की पिक्स भी मैं लेकर आने वाला हूँ, जैसा कि मैंने अपने चैनल पे आप लोगों को बताया था, कमेंट्स मेरे पास आए हैं, मुझे लगता है कि उन लोगों को बजट पिक्स की नीड है, तो मैं वो भी लेकर आऊँगा। और अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि डेली आपके पास एक ऐसी स्ट्रैटी, एक ऐसा आपके पास स्टॉक लेकर आए जो टेक्निकल एनालिसिस में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने की तैयारी कर रहा है, और आप तुरंत उसे बाय करके चल सकते हैं। अगर आपको ये मेरी जो भी मैं आपके साथ यूजफुल इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, नॉलेजेबल, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा गाइस, और बेल आइकन दबाइएगा। बेल आइकन से होगा ये, जो चैनल के सब्सक्राइब के बटन के पास ही होगा वो, उससे होगा ये कि जो भी मेरी वीडियोज अपलोड होंगी सबसे पहले आपको मिल जाएंगी, या मेरे चैनल के अंदर जाके देख सकते हैं, सर्च करिएगा यूट्यूब पे शिवांश भसीन मेरा नाम, या इंट्राडे गाइड भी सर्च करेंगे तो भी आपको पता मिल जाएगा मेरा चैनल, वहाँ जाके भी आप मेरी वीडियो सारी देख सकते हैं। गाइस कमेंट सेक्शन पर मुझे ज़रूर बताइएगा कि जो भी आपने, मैं आपको स्टॉक्स बताता हूँ, उन पर ट्रेड करते हैं या नहीं करते हैं। मेरे पास बहुत से फ़ोन कॉल्स भी आते हैं मार्केट के अंदर अंदर कि हमने ये पर्टिकुलर स्टॉक ले रखा है, अब हमें इसमें अपनी कैसे पोजीशन और इनिशिएट करनी है, हम कब एग्जिट या कब बाय करके चले। तो गाइस आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप सब लोगों का रिप्लाई ज़रूर करूंगा। जो भी आपके डाउट्स हैं, कौन से स्टॉक पर मैं सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो बनाऊं, आप मुझे वो भी कमेंट करके बताएंगे तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। जिस पर सबसे ज़्यादा लाइक्स आएंगे जिस भी पर्टिकुलर स्टॉक पे, मैं सबसे पहले उसकी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो अभी मैं आपसे मिलता हूं कल नई अगली वीडियो के साथ, साइनिंग ऑफ।